मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, तू ही आशिकी, तू बहार है। अभी अभी जो छोटा सा टीज़र आपने देखा, छोटा सा एक ट्रेलर आपने देखा, इसमें आपने देखा कि हरिजा पांडे मेरे सिस्टर वो इस गीत को गा रहे थे। SPW प्रोडक्शंस का ये हमारा खुद का सबसे पहला गीत है, जिसका कि ट्रैक भी हम ही लोगों ने बनाया है, इसका वीडियो सॉन्ग भी हम ही लोगों ने बनाया है, गाया भी हमारे द्वारा है और लिरिक्स और कंपोजिशन तो ओरिजिनल SPW की हैं ही। तो इससे पहले हमने मेरा इश्क तो जो मेरा ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो था वो किया था, मगर हाँ उसका जो प्रोडक्शन था वो हमने किसी और से कराया था। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं SPW स्टूडियोज़ हम लोगों ने सेटअप कर लिया है, तो अब हमारे स्टूडियो का पहला हमारा खुद का ओन प्रोडक्शन ये वो गाना है। तो आज मैं आपको उस गाने के जो सिंगर हैं हरिजा पांडे, आज उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उनसे तारुफ कराऊंगा और आज हम उनसे जानेंगे उनकी थोड़ी बहुत म्यूज़िकल जर्नी के बारे में और इस गीत का क्या हिस्ट्री रही, क्यों उन्होंने वही गीत चुना और उस गीत के बारे में छोटा मोटा मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन उस पहले गीत के बारे में दे दूं कि वैसे तो आपने टीज़र ट्रेलर में उतना नहीं हमने बताया है, पर हाँ मैं यहाँ बता दूँ कि इस गीत के जो लेखक हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, वो एक्चुअली में हमारे पिताजी जो हैं पंडित अवध किशोर पांडे वो हैं, और उन्हीं के साथ को राइटर उनके जो हैं वो संजय पाठक जी हैं, जो फेसबुक के थ्रू उन लोगों का लिंक हुआ और वहीं एक ये चीज़ बैठी कि गीत हमने लिखना है तो कैसे। और ये आज से 6 साल पुरानी बात है, 6 साल पहले ये गीत लिखा गया था और पिताजी ने मुझे कहा कि इसकी थोड़ी बहुत आप कंपोजिशन ट्राई कीजिए कि कैसे बाप बना सकते हैं, तो मैंने थोड़ी उनके गाइडेंस में ही इसकी कंपोजिशन करी। तो देखा जाए तो इसके को कंपोजर्स हम दोनों हैं, मैं और मेरे पिताजी, और को लिरिसिस्ट संजय पाठक जी और अवध किशोर पांडे जी जो मेरे पिताजी हैं वो हैं। इसका जो प्रोडक्शन है जो पूरा किया गया है, मिक्स्ड मास्टर्ड कह लें या फिर जो अरेंजमेंट है इसका, या यूं कहें म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो वो भार्गव बुटानी और भवन खोखावत हैं। ये SPW के ही मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडियो के ये टीम मेंबर्स हैं, तो इन्हीं लोगों के साथ हम लोग पूरा स्टूडियो चला रहे हैं और वीडियो प्रोडक्शन भी हम ही लोगों का है, हम ही लोगों ने शूट किया है, हम ही लोगों ने एडिट किया है। तो आइए अब जानते हैं हरिजा जी से कि कैसी उनकी म्यूज़िकल जर्नी रही है और क्या क्या उन्होंने सोचा संगीत में, वो क्या क्या सीखना चाहते थे और क्या क्या वो आज सीख रहे हैं और किस मकाम पे वो हैं। तो स्वागत है हरिजा जी आपका। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आप कब से संगीत सीख रहे हैं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि अवध किशोर पांडे जी जो हमारे फादर हैं, आप बचपन से उन्हीं से संगीत आपने संगीत सीखा है, मगर हम लोगों से कभी उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं बता पाए कि आपकी जर्नी कैसी है, क्या है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से बताएं उनको। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम हरिजा पांडे है और मैं पंडित अवध किशोर पांडे जी की बेटी हूँ और मैं बचपन से ही संगीत के शिक्षा उनसे प्राप्त कर रही हूँ, पर जो मेजर जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो 15-16 साल के बाद ही हम शुरू करते हैं, तो मेरी वो ट्रेनिंग शुरू हुई और एज एन एजुकेशन में भी मैंने आर्ट्स परस्यू किया जिसमें म्यूज़िक वोकल को मैंने पूरा अपना मेन सब्जेक्ट रखा, जिसके अंदर मैं मास्टर्स तक मैंने किया MA को, और अभी मेरा थोड़ा तैयारी चल रही है PhD की, और अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि मुझे कथक में भी रुचि है तो मैं कथक भी सीख रही हूँ और जयपुर के अंदर कथक केंद्र आश्रम है वहाँ पर मैं सीख रही हूँ गुरुजी रेखा ठाकर जी से। और इस गाने का मुझे एक दिन ख्याल आया क्योंकि हम SPW चैनल को हमारे बहुत बहुत साल हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे गाने खुद के लिखे हुए पिताजी के, और कंपोजिशन या तो निषाद की रहती है या पिताजी की रहती है या कुछ कंपोजिशंस हमारी भी होती है उसमें। ये ऐसी कंपोजिशन थी जब की थी उन्होंने, तब एक स्टूडेंट से ही उन्होंने गवाई थी, जैरी करके स्टूडेंट रहे, उन्होंने गाई, उन्होंने इस कंपोजिशन को फर्स्टली गाया और तब सिर्फ हम लोगों ने सुना था, मुझे तब से पसंद आ रही थी ये कंपोजिशन, पर शायद 6-7 महीने पहले मैं पुराने सॉन्ग्स वापस सुन रही थी, पुराने कंपोजिशन जिसमें कि मेरा यार तू मेरा प्यार तू मैंने वापस सुना, तो मुझे वो हिट की कंपोजिशन, मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत गुंजाइश थी एज एन कंपोजिशन भी, उस वक्त के लिए वो कंपोजिशन बहुत प्यारी लगी, पर अब जैसे गाने आजकल के दौर में जो निकल रहे हैं उस दौर के ज़रिए मैंने ऐसा सोचा कि इस का म्यूज़िक भी थोड़ा सा अलग होगा, जो कि आजकल के लोग सुनना पसंद करेंगे, हर जॉनरा के लोग सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो पुरानी कंपोजिशन थी वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम देंगे आप सुनिएगा, वो थोड़ी लाइट बेस पे थी, लाइक सुगम संगीत, लाइट गज़ल टाइप, लाइट सॉन्ग जो होते हैं बिल्कुल स्लो चल रहा है, और उसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी हमने यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ हारमोनियम और तबले के साथ हमारा वो पूरा कंपोजिशन हो गया था, पर
इस सॉन्ग के बारे में जब मैंने निषाद से बात की कि हम वापस रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने सेटअप जब किया है तो क्यों ना हम अपने ही गानों को वापस रिक्रिएट करके और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करके, उस वक्त नहीं थी सुविधा, पर अब हमारे पास सुविधा इतनी है कि हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आज का जो जमाना चल रहा है उस अकॉर्डिंगली कुछ बना सकते हैं, थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल जिसे लोग कहते हैं, मेनस्ट्रीम उस अनुसार, जो बिल्कुल किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है ये म्यूजिक, तो इंडिपेंडेंटली हमने ये इसको क्रिएट किया सॉन्ग को, और हम चाहेंगे कि इसको हर जॉनरा के लोग सुने ही सुने, क्योंकि ये किसी भी जॉनर में हम इसको फिट नहीं कर पाएंगे, ना क्लासिकल में, ना सेमी क्लासिकल में, प्रॉपर वेस्टर्न भी नहीं बोल पाएंगे। हमने इसको कुछ क्रिएट करने का कोशिश किया है, हालांकि बहुत टाइम लगा इस गाने में, हमने जब उठाया ही था तब हमने पहले पुराना गाना सुना, उसके बाद हमने थोड़ा सोचा अब लिरिक्स भी देखते हैं, तो हमने सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिया है, एक ही अंतरा लिया है उस गाने में, और इसका म्यूज़िक बहुत बहुत ही मुश्किल से आप समझिए या ऐसा समझिए कि शायद अच्छी चीज़ थी, इसीलिए वक्त लग गया बनने में। इसका म्यूज़िक जो है, जो पूरा अरेंजमेंट है, जो भार्गव ने बिल्कुल कोशिश की है कि उसको जितना आता है समझ में उस अकॉर्डिंग ट्रैक बना है ये। फर्स्टली ट्रैक तैयार हुआ क्योंकि कंपोजिशन रेडी थी हमारी बिल्कुल, उसमें हमको सिर्फ ट्रैक ऐड करना था, जिसमें कि भार्गव और भव्यन ने दोनों ने मिल के ट्रैक रैंडमली रेडी कर दिया था कि हाँ ये भी ट्राई कर सकते हैं, एक वेस्टर्न टाइप का बीट भी ले लेंगे हम, कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी अप्लाई करेंगे, फ्लूट भी बजवा लेंगे। तो वो जब धीरे धीरे थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसके बाद 3 महीने और लगे इस गाने के ट्रैक को, फिर वो जितना सिंपल सुनने में आप लोगों को लगेगा उतना सिंपली रिकॉर्ड हुआ नहीं है ये गाना। और थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ तो रूपक ताल में इस गाने को किया गया है, और हालांकि रूपक तबले में सुनाई भले आपको जो अभी जो हम रिलीज़ कर रहे हैं सॉन्ग उसमें सुनाई नहीं देगी, पर पूरा बीट्स का वही स्ट्रक्चर लिया है, और पूरा अरेंजमेंट बीट्स और इन सब के साथ में जब किया तो पूरा वेस्टर्नाइज हो गई पूरी बीट्स, तो उसके साथ में सेम क्लासिकल जो पूरी ये चीज़ थी लाइक एन लाइट सॉन्ग, उसको हमको उस इस वाले ट्रैक में एडजस्ट करना था, तो वो जो उसका पूरा इमोशन भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अगर आप पुराना सॉन्ग सुनेंगे देन आप इस वाले सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत से इमोशंस इसमें चेंज हुए हैं, और लिरिक्स तो खैर बहुत अच्छी है ही इसकी, और मुझे उस वक्त बेहद पसंद आया था। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि हम इस गाने को ज़रूर करेंगे चाहे हमें कितना भी वक्त लगे, और वाकई मुझे नहीं पता था इतना वक्त लगेगा, पर लगा, और इसका पूरा जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रही। माइनर से डिटेल्स पता पड़ी कि अच्छा इतनी सी बारीकियां हैं इस कंपोजिशन में, और बीट्स और इन सब के साथ में अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुआ। चलिए अब एक छोटी सी चीज़ आपको हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। इस गीत के जो कंपोज़र को राइटर को कंपोज़र हैं पंडित अवध किशोर पांडे जी, उन्होंने छोटी सी वेल विशेज़ दी हैं इस गीत को और इसकी रिलीजिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया है, तो आइए उनकी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। नमस्कार, मैं पंडित अवध किशोर पांडे आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि एक नया गीत बहुत जल्द यानी कि 15 नवंबर को हम रिलीज कर रहे हैं। संगीत प्रवाह वर्ल्ड का जो स्टूडियो वर्क है उस स्टूडियो में ऑडियो वीडियो मिक्सिंग एडिटिंग करने वाले मास्टर निषाद और उनकी टीम भार्गव भूटानी ये सब लोगों ने मिल करके बहुत मेहनत की है, परिश्रम से उस वीडियो को बनाया है, और देखने योग्य होगा कि हरिजा पांडे जो मेरी पुत्री हैं वो उस गीत को कैसे निभा रही हैं। उस वीडियो में उनकी एक्टिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी और उनकी गायकी भी आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। मास्टर निषाद और भार्गव भूटानी इन और उनकी जो पूरी टीम जो इसके साथ लगी है, कोरस वर्क, यहाँ तक कि जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर्स उसमें जो यूज़ किए गए हैं उस गाने में, उन सब का एक यूनिक वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो 15 नवंबर को देखना मत भूलिए मेरा यार तू मेरा प्यार तू, ये गीत रिलीज होने जा रहा है। इस गीत में और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसा पंडित जी ने अभी आपको बताया, हरिजा ने आपको बताया, थोड़ा सा चीज़ें और मैं बता दूं, जैसे इसके जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका जिक्र तो मैंने किया ही, साथ ही इसमें कुछ कुछ हेल्प हमने और भी लोगों की ली है, जैसे इसमें आप जो कीबोर्ड सुनेंगे या जो बेस गिटार पीछे बजाया जो गिटार है वो हमारे उदयपुर के ही एक बहुत अच्छे सिंगर हैं कंपोज़र हैं, उनका खुद का स्टूडियो है विनय वर्मा जी, उनकी हमने इसमें मदद ली है। तो मेरे ख्याल से एक गाना जब बनता है तो पूरी एक टीम का उसमें मेलजोल होता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है, तो ये हमारी पूरी टीम है, SPW टीम है। इसकी तरफ से ये गीत आप सभी तक पहुँचाएँगे। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर ये आ रहा है जैसे कि हमारे पिछले सॉन्ग्स भी आए हैं।
तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा, आप सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, जल्द आ रहा है 15 नवंबर को। और बस ऐसे ही हम कुछ ना कुछ नया लाएंगे, कुछ ना कुछ ओरिजिनल लाएंगे, प्रोडक्शंस पे चैनल पे डाएंगे, म्यूजिकल बडीज हमारा चैनल है, द म्यूजिक फ्लो हमारा चैनल है, और SPW संगीत प्रवाह वर्ल्ड तो है ही। तो इसी तरह आप देखते रहें हमारे चैनल्स को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि हम ये ओरिजिनल काम कर रहे हैं, कोई कवर नहीं है, किसी और का गाना नहीं है, खुद का काम है, खुद के लिरिक्स हैं, खुद के शब्द हैं, और संगीत को हमारी अपनी दृष्टि हम दे रहे हैं, हमारे खुद के स्टाइल के, खुद के जॉनर की हम चीज़ें बना रहे हैं। ये नहीं कि मेन स्ट्रीम जैसा चल रहा है हम उसी को फॉलो करें और जैसा वो लोग बना रहे हैं वैसा ही बना दें, भले ही वो फूहड़ सा हो, भले ही उसमें कोई सिर पैर नहीं हो, है ना, कोई अर्थ नहीं हो संगीत के शब्दों का या फिर धुनों का, ऐसा संगीत नहीं बना रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कुछ मीनिंगफुल आपको देख सकें, भले ही थोड़ा फ्यूजन करेंगे जैसा आजकल चलता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उसमें ओरिजिनलिटी रहेगी। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और जल्द आप देखिएगा मेरा प्यार तू मेरा यार तू मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर। शुक्रिया।